डिस्कस करेंगे कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस क्या हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और गोलमेज कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब हुई है। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के हवाले से जो नाम तजवीज किया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस जो वहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 1935 का एक्ट हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम अक्सर मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, उसको भी पॉइंट की शक्ल में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिस्कस करनी है। तो आज मेरा जो टारगेट ये है कि हम 30 से लेकर 40 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं जो टोकन क्वेश्चन की शक्ल में पूछे जा सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपने अपने साथ जो है ना एक पेन और कागज अपने साथ रखें, तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट ले लेते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। बुनियादी तौर पर यह सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी, मैं आराम आराम से बोलता हूँ। जो पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1930 में हुई थी इंग्लैंड में। इसमें कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन बाकी जो जमातें थी वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे। तो पहले मैं आपको बता चलूं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती क्या है। ये भी कुछ इंटरव्यूज में पूछे गए क्वेश्चन कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती क्या है। देखें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये होती है कि जिसमें कोई भी हेड नहीं करता, यानी कोई भी जो है उस कॉन्फ्रेंस को हेड नहीं करता, उसमें मिल बैठकर जो है वो डिस्कस करते हैं किसी भी इशू के बारे में। जी, तो मेरा ख्याल है ये हमसायों में कोई टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड और थर्ड राउंड टेबल। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ऐसी कॉन्फ्रेंस को कहते हैं जिसमें कोई भी हेड नहीं करता, कोई भी चेयर नहीं करता, बैठकर किसी इशू को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको याद होगा कि प्रीवियस क्लास में साइमन कमीशन के हवाले से बताया था कि साइमन कमीशन की फॉर्मेशन 1927 में हुई थी, जबकि 1928 में साइमन कमीशन बरसगीर आया था और उन्होंने वापस जाकर एक रिपोर्ट पेश की थी। वो जो रिपोर्ट पेश की थी 1930 में इंग्लैंड में पेश की थी, तो वहां पर जो है वहां के जो लेजिस्लेचर थे, वहां के जो कानून साज असेंबली के जो अराकीन थे, वो यहाँ के फ्यूचर के बारे में, सब कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के बारे में आइन साजी करना चाह रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग करना चाह रहे थे। तो लिहाजा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने मशवरा दिया था कि हम फर्स्ट स्टेक होल्डर्स हैं, हमें भी इन्वॉल्व किया जाए, आप लोग खुद से फैसला ना करें हमारे मुस्तकबिल के बारे में। यहाँ के लोकल्स जो जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सियासी जो तंजीमें हैं, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वॉल्व करें। तो इस उनके मशवरे को अमल करते हुए बुनियादी तौर पर जो है मुख्तलिफ यहाँ का जो पोलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव इंग्लैंड में गए और वहां पर जाकर यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें जो क्या कहते हैं कांग्रेस थी, क्योंकि वो सिविल डिसोबीडियंस से जो है मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी 1930 में। ये भी पूछा जा सकता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये कब शुरू हुई थी, तो 1930 में गांधी ने यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से क्या मुराद है। सिविल डिसोबीडियंट का मतलब ये है कि उनके डिमांड और उनके कमांड्स को, उनके हुक्म और अहकामात को नहीं मानते हैं, लेकिन नॉन वायलेंट रहते हैं, वायलेंस नहीं करते हैं। आप प्रोटेस्ट करते हैं, जैसे हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी देखें पीसफुल प्रोटेस्ट हुए थे गंदम सब्सिडी के लिए, इसी तरह पीसफुल प्रोटेस्ट किया था और कुछ डिमांड्स और उनके जो अहकामात होते हैं उसको डिसओबे करते हैं, लेकिन नॉन वायलेंट होते हैं, कोई वायलेंस नहीं शो करते हैं, मारदार या कत्ल गारत या इस तरह की चीजें नहीं होती। तो गांधी ने बुनियादी तौर पर जो है ये या आपने याद रखना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में की थी, इसी वजह से जो है कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। और ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुई थी लंदन में। मैंने ये कहा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक लंदन में हुई थी, और इसमें तकरीबन 73 रिप्रेजेंटेटिव्स ने, इन्हें इनके जो इराकीन जिन्होंने शिरकत की थी वो तकरीबन 73 थे, और कांग्रेस ने इसको बायकॉट किया था, ये आपने याद रखना है। और दूसरी जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो सितंबर 7 सितंबर 1931 से दिसंबर 1 दिसंबर 1931 तक ये कॉन्फ्रेंस हुई है। मैंने कहा कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक,
जबकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो सितंबर 7, 1931 से दिसंबर 1931 तक हुई है। अच्छा, सेकेंड बी नाकाम हुई तो उस वक्त जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे वो मैकडोनल्ड थे। मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। कम्युनल अवार्ड क्या है और ये कब हुआ है इसको भी जरा लिख दें। कम्युनल अवार्ड जो है 16 अगस्त 1932 को, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को उन्होंने एक अवार्ड का ऐलान किया। यानी जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई तो मैकडोनल्ड जो कि प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया। वो कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को किया था। ये कम्युनल अवार्ड क्या था, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि जो अदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी सब कॉन्टिनेंट में, हिंदू तो मेजॉरिटी में थे, मुसलमान सेकेंड लेवल पे थे, उसके बाद देखे सिख हैं, वहां पर क्रिश्चियन हैं और दीगर जो कम्युनिटीज हैं, दीगर मजाहिब के लोग हैं, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट में यानी उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी सीटें उनके लिए मुख्तस करने के लिए उन्होंने अनाउंस किया था। तो इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कम्युनल यानी मुख्तलिफ कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देने के लिए और उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करने के लिए उनके कुछ मुतालिबात माने, तो इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। तो ये जो कम्युनल अवार्ड था ये मैकडोनल्ड ने अनाउंस किया था 16 अगस्त 1932 को। अच्छा, थर्ड राउंड जो टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आपने याद रखना है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। देखें जरा कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 24, 1932। अच्छा, अभी हमने देखें जरा कि ये तीन सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस मैंने कहा था, तो तीन कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। पहली जो कि नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 31 तक लंदन में, दूसरी जो हुई थी वो मैंने आपको बता दिया 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। अच्छा, जब देखें जरा, इसके बाद एक और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाइट पेपर इशू किया था, अनाउंस किया था वाइट पेपर, ये 1933 को किया था, ये भी जरा लिख लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस्ड वाइट पेपर इन 1933। अब ये वाइट पेपर है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं। गवर्नमेंट जब भी किसी इशू के बारे में कोई रिपोर्ट जारी करती है तो उसको वाइट पेपर का नाम दिया जाता है। यूके की गवर्नमेंट जो है ना, यूके में ये टर्म इस्तेमाल होती थी वाइट पेपर के लिए, कि जब भी गवर्नमेंट किसी इशू के हवाले से कोई पेपर, कोई इशू के हवाले से कोई रिपोर्ट जारी करती है, कोई प्रपोजल देती है, उसको वाइट पेपर का नाम देते हैं। तो फर्दर क्या करना है इस हवाले से, एक उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी थी तो उसको वाइट पेपर के नाम से याद किया जाता है 1933 में। अब इसी 1933 में आपने याद ये रखना है कि चौधरी रहमत अली जो की एक वाइट पेपर बुनियादी तौर पर गवर्नमेंट कोई रिपोर्ट इशू करती है, किसी भी इशू के बारे में कोई रिपोर्ट इशू करती है या कोई प्रपोजल दे देती है इन रिटर्न, तो उसको वाइट पेपर का नाम दिया जाता है यूके गवर्नमेंट के टर्म में। तो ये जो है उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी, ये जो कॉन्फ्रेंसेस थी ये फेल हो गई थी, नाकाम हो गई थी। तो मुस्तकबिल का आइन किस तरह का बनाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में यहाँ के मामलात को कैसे चलाना है, इस हवाले से एक रिपोर्ट जो है उन्होंने पेश की थी, इसको वाइट पेपर का नाम दिया जाता है। अच्छा, इस दौरान मैंने आपको बता दिया दो और इवेंट हुए हैं। एक इवेंट है 28 जनवरी 1933 का, जिसमें जो एक मैंने आपको बता दिया था कि एक कश्मीरी स्टूडेंट थे जो कि इंग्लैंड में पढ़ते थे, चौधरी रहमत अली, जिन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था। उस पैम्फलेट का टाइटल भी आपको पता होना चाहिए, नाउ एंड नेवर आर वी लिव आर पेरिश फॉर एवर। इस पैम्फलेट का नाम था। बुनियादी तौर पर ये पैम्फलेट लिखकर उन्होंने
पाकिस्तान का नाम भी तजवीज किया था। पाकिस्तान का नाम बुनियादी तौर पर उन्होंने तजवीज किस तरह किया था? पंजाब से पी लिया, NWP फ्रंटियर प्रोविंस को अफगान प्रोविंस का नाम देते थे तो ए वहां से अफगान प्रोविंस से लिया, के कश्मीर से लिया, एस सिंध से लिया और तान बलोचिस्तान से लेकर यह बुनियादी तौर पर पाकिस्तान लिखा था। और आई वॉज मिसिंग एट दैट टाइम, आई मिसिंग था, बाद में आई को पुट किया गया इसी नाम से, पाकिस्तान के नाम से। तो आपने याद ये रखना है कि पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस अफगान, इसको अफगान प्रोविंस कहते थे, पख्तून प्रोविंस जो सूबा है उसमें से ए लिया, कश्मीर का के लिया, सिंध से एस लिया और बलोचिस्तान से तान लिया। तो लिहाजा ये पाकिस्तान का जो नाम था वो बुनियादी तौर पर 1933 में चौधरी रहमत अली ने, जो कि इंग्लैंड में कश्मीर के एक स्टूडेंट थे, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था। उस पैम्फलेट में उसका जो टाइटल था, नाउ एंड नेवर, आर वी लिव आर पेरिश फॉरएवर, इस पैम्फलेट का नाम था। और इस पैम्फलेट में उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था। तो ये भी बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आई लेट विदाउट लेटर आई है, यानी आई मिसिंग था जो कि बाद में पुट किया गया। अच्छा, इसी दौरान एक और तहरीक सामने आई है, इसी मोमेंट के दौरान, जो कि खाकसार तहरीक कहा जाता है या खाकसार मोमेंट के नाम से याद किया जाता है। उर्दू में तहरीक खाकसार, इंग्लिश में खाकसार मोमेंट। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि 1931 में इनायतुल्ला मशरिकी ने बुनियादी तौर पर इस तहरीक को एस्टेब्लिश किया था। इनायतुल्ला मशरिकी ने खाकसार मोमेंट को एस्टेब्लिश किया था और इसका बुनियादी मकसद भी यही था कि ब्रिटिशर्स को और ब्रिटिश एम्पायर के जो रूल है, उनकी जो गुलामी है, उससे यहाँ के सब कॉन्टिनेंट के लोगों को आजाद करना। और ये जो तहरीक थी ये ब्रदरहुड पर बेस करती थी, भाईचारे पर। इसमें जिसकी जो मेंबरशिप थी उसमें किसी को भी, यानी मजहबी, रंग, नस्ल और कास्ट की बुनियाद पर कोई ऐसी तफरीक नहीं थी। कोई भी इसकी मेंबरशिप ले सकता था, मजहब की बुनियाद पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, रेशल बुनियादों पर, सोशल बुनियादों पर किसी हवाले से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। सब कॉन्टिनेंट के कोई भी शख्स जो है वो इसका मेंबर बन सकता था। तो इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक यूनिटी क्रिएट करना और यूनिटी क्रिएट करके एक प्लेटफॉर्म पर सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इकट्ठा करना और वो ब्रिटिश के जो एम्पायर के रूल के खिलाफ जो है आवाज उठाना और यहाँ से उनके इनकी गुलामी से खुद को आजाद करना। तो इसको कहते हैं खाकसार मूवमेंट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 1931 में सामने आई थी, खाकसार मूवमेंट। तो अभी तक मैंने जो चीजें बताई हैं वो ये बताई हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई थी कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या मुराद है। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाकाम होने पर कम्युनल अवार्ड का ऐलान किया गया था। तो वो कम्युनल अवार्ड क्या था कि बुनियादी तौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए से कुछ सीटें मुख्तस की गई थी, उनको कुछ अवार्ड किया था, तो उसको कम्युनल अवार्ड का नाम दिया था लॉर्ड मैकडोनल्ड ने। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा सर, अब ये जो जी जी कुछ पूछ रहे हैं सर। जी सर। अच्छा सर, ये कम्युनल अवार्ड जो है वो थर्ड राउंड टेबल के अंदर पास किया या उसके नाकाम होने के बाद किया या उसमें किया सर? उसके नाकाम होने के बाद, उसके नाकाम होने पर किया। तो सर इसमें थोड़ी सी फर्क आ रही है सर। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड हमने बताया और फिर थर्ड राउंड टेबल 17 नवम्बर 1932। बुनियादी तौर पर मैंने क्या बताया था, एक सेकेंड जरा मुझे रुके, कम्युनल अवार्ड 17 अगस्त बताया था, 1932 हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो ये महीनों का डिफरेंस है ना, तो वो पहले हुआ था, ये लास्ट में हुआ था, जो आप सही कह रहे हैं जो उसी में हुआ था, लेकिन ये उसके आखिर में नाकाम होने के बाद उसी साल में, अगर ऐसे वो सितंबर में हुआ था तो उसका जो ना आगे नवंबर में उसका। अच्छा, हाँ, अब वही ना 31 में सेकंड राउंड टेबल 31 में हुई है, तो जाहिर सी बात है इसके नाकामी के बाद जो है मैकडोनल्ड ने यहाँ की कम्युनिटी की ग्रीवेंसेस को मीट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए 1932 में कम्युनल अवार्ड सामने आया। 1931 में जो है आपको पता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो नाकाम हुई। अब यार एक दिन में तो नहीं होता ना, जाहिर सी बात है कुछ टाइम लगा होगा, उस दौरान उन्होंने
देखा होगा कि कहाँ कहाँ क्या ग्रीवेंसेस आ रहे हैं, कहाँ क्या डिमांड्स हैं, उसको सामने रखते हुए 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी है, उसके बाद 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड सामने आया है। और कम्युनल अवार्ड में बुनियादी तौर पर उन कम्युनिटीज को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट के जरिए से उनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया था, उनके कुछ ग्रीवेंसेस को मीट किया। ठीक है, अच्छा सर, मैं सर थर्ड राउंड टेबल की बात कर रहा हूँ सर, थर्ड राउंड नहीं, सेकंड सेकंड के बाद हुआ है, सेकंड के बाद, थर्ड नहीं, ठीक, थर्ड, ठीक है, दोबारा थर्ड हो गया सर, थर्ड में क्या हुआ सर? हाँ, थर्ड भी यही एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंसेस थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होते थे, लेकिन वो भी कोई बेनतीजा खत्म हो गई ना, कोई इस तरह से नाकाम हो गई, इसी वजह से फिर उसके बाद जो है 1935 का एक्ट आया है। अभी हम आते हैं उस दौरान जो है, मैंने आपको बता दिया कि एक और जो दो तीन इवेंट्स हुए थे, मैंने आपको बता दिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुई थी इसी दौरान 1930 को, खाकसार मूवमेंट सामने आई थी 1931 में, मैंने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद 1933 को मैंने आपको बता दिया था कि ये जो है क्या कहते हैं, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज किया था, एक पैम्फलेट लिखकर, नाउ एंड नेवर आर वी लिव आर पेरिश फॉरएवर, ये उस पैम्फलेट का टाइटल था, और इसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज किया था। यहाँ तक बात समझ आ गई 1933 तक। अब हम मेरे ख्याल हीरा भी रिक्वेस्ट रेज किया था, मैं कुछ इस तरह का देख रहा था, तो क्वेश्चन है बच्चे? जी जी सर, ये क्वेश्चन था कि सबकी लोकेशन सेम ही थी, सारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हाँ, लंदन में बुलाया था ना, लंदन में इन सब की तमाम जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां पर बुलाया था, बुलाकर उनसे डिस्कशन करते थे और उनको बिठाकर उनके ग्रीवेंसेस, उनके क्या डिमांड्स हैं, उसी पर डिस्कशन होती थी। तो उसमें कोई भी हेड नहीं करता, बल्कि बैठकर डिस्कस करते हैं, जैसे अभी देखे ना हम कर रहे हैं, इस तरह से डिस्कस करते थे इश्यूज को, हर एक अपने अपने डिमांड्स। अब माइक ऑफ करें नजर आप, तो इसको कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अजीमा कुछ पूछ रही हूँ जी, जी जी नाकाम हुई। अच्छा, उसमें कुछ चीजें जाहिर सी बात है उनको भी नाकामी तो नहीं कहेंगे, बहुत सारी चीजें उनके सामने आ गई, इसी बुनियाद पर तो देखें कम्युनल अवार्ड लाया था कि यहाँ के लोगों को बहुत सारे इश्यूज उस प्लेटफॉर्म से रेज किए, उनके नॉलेज में लाए, तो ये कुछ नाकामियां भी सामने आई। और उसके बाद जो है एक एक्ट आया है 1935 का एक्ट, ये आपने जहन में रखना है कि एक्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 में एक एक्ट पास किया था। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, और जी जी, अच्छा सर, क्योंकि आप 1935 पे जा रहे हैं तो उससे पहले जो 1930 के दो जो इवेंट है मेरे ख्याल में आपसे मिस हो गए थे, वो इसमें कि अलामा इकबाल ने 1930 में जो है ना, वो अलामा इकबाल वो पिछले उसमें कर दिया सर, वो पिछली पिछले लेक्चर में हो चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, आपने खुतबे इलाहाबाद पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था मेरे ख्याल है, जी जी किया जी, था ना, बिल्कुल सर। हाँ, वो मैंने जान का भी टच नहीं किया क्योंकि फिर वो बात लंबी हो जाती है। अच्छा, जुबेर कुछ पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है जुबेर जमान है, जुबेर कौन है यार? जी जी सर, जी जी सर, आपने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का है, उसने बॉयकॉट किया था, ये कांग्रेस ने, तो मुस्लिम लीग ने, जी जी कुछ मुस्लिम लीग ने शिरकत की थी, मैंने तो बताया था ना कि ये शुरू में बुनियादी तौर पर कायद आजम ने उनको सजेस्ट किया था, और मुस्लिम लीग ने और बाकी तमाम बहुत सारी जमातों ने शिरकत की थी, और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी ना बरसगीर में, सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग नहीं थी, और भी बहुत सारे वहां पर पार्टियां थी, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी। तो शुरू पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें सिविल डिसोबीडियंस के, यानी जो मूवमेंट थी जिसको डंडी मार्च भी कहते हैं गांधी की, तो वो बुनियादी तौर पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ पर वो इनिशिएट कर रहे थे, इस वजह से उन्होंने शिरकत नहीं की थी, लेकिन सेकंड और थर्ड में कांग्रेस ने भी की है। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं 1935 के एक्ट की तरफ। अच्छा, 1935 का जो एक्ट है, 1935 नाम से ही है, ये बुनियादी तौर पर दो पार्ट्स में था, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी प्रोविंसेस को, ये बुनियादी तौर पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर पर बेस कर रहा था। अच्छा, इसमें था क्या, बुनियादी तौर पर प्रोविंसेस पूरे सब कॉन्टिनेंट को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, पूरी कंट्री को, यानी सब कॉन्टिनेंट को के 11 प्रोविंसेस बनाए गए थे। और ये भी आपने याद रखना है कि सिंध और उड़ीसा प्रोविंस जो है नए बनाए गए थे, और बर्मा को अलहदा कर दिया था,
1935 में इसको सेपरेट किया बुनियादी तौर पर इसी एक्ट के तहत। तो ये जहन में रखना है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, डायरकी सिस्टम था, उस डायरकी सिस्टम के अंदर जो है प्रोविंसेस बड़े ऑटोनॉमस थे, और प्रोविंसेस जो है तीन किस्म की लिस्ट थी, एक फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंशियल और एक कंकरेंट लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट का मतलब ये होता है कि कुछ चीजों में कानून साजी फेडरल करेगा, जैसे अभी पाकिस्तान में भी अभी देखें कि वफाक कुछ करता है, कुछ चीजों में कानून साजी यानी क्या कहते हैं प्रोविंसेस करते हैं, और कुछ चीजों में मिला के करते हैं। तो लिहाजा उस तरह का इस तरह का एक निज़ाम उन्होंने तश्कील दिया था। तो 1935 का जो एक्ट था वो बुनियादी तौर पर, अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ से हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तरफ और हिंदू ये यहाँ के जो सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। शुरू में आपको पता होगा कि उनको बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं थी, लेकिन आहिस्ता 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 उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनकी इंश्योर की गई, और अब जाकर 1935 का जो एक्ट आया है इसमें उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, और प्रोविंशियल बुनियादी तौर पर एक सेपरेट एंटिटीज के तौर पर जो है वो अपना रोल प्ले कर सकती थी। इसी 1935 के एक्ट के तहत 1937 में इलेक्शन हुए थे, और उस इलेक्शन में आपने याद रखना है कि कांग्रेस जो है वो जीत गई थी, जबकि मुस्लिम लीग जो है वो बुरी तरह उसको शिकस्त मिली थी, क्योंकि कांग्रेस में भी तो मुसलमान थे ना, तो लिहाजा वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ गए थे, और कांग्रेस मेजोरिटी प्रोविंसेस में विन किया था, जबकि मुस्लिम लीग की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज्यादा सामने नहीं आई थी, मुसलमानों ने ट्रस्ट का जो इतना इजहार नहीं किया था। लेकिन याद ये रखना है कि एक और इवेंट हुआ है जिसको जिसमें 1939 में जो 1937 में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के बाद 1939 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज को क्विट किया था, मिनिस्ट्रीज से रिजाइन किया था, क्योंकि उनकी कुछ पावर इस तरह से उनके डिमांड्स उनकी पावर्स इस तरह से थी नहीं, तो लिहाजा उन्होंने जब इसको रिजाइन किया तो मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस ये यौम नजात मनाया है। ये भी पूछा जा सकता है टोकन क्वेश्चन के तौर पर कि 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसके नतीजे में कांग्रेस इक्तदार में आई, और कांग्रेस ने 1939 में जब रिजाइन किया अपनी मिनिस्ट्री से कांग्रेस के मेंबर्स ने, तो मुसलमानों ने यौम नजात मनाया है जिसको डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं, ये 22 नवंबर 1939 को मनाया है। अब एक और इवेंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये अक्सर पूछा जाता है एपीएससी के क्वेश्चन उसमें, वो है लाहौर रेजोल्यूशन। आप में से कोई बता सकते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन ये हम 23 मार्च जो हम बनाते हैं ये क्यों मनाते हैं? माइक आप में से हैंड रेज करें जिसको पता है हम 23 मार्च क्यों मनाते हैं? हर साल ये जो 23 मार्च हम मनाते हैं ये क्यों मनाते हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? तो हैंड रेज करें जी। अजीमा आप बता दे भाई। 1940 को मुसलमानों ने लाहौर के मुकाम पर एक इजलास किया था और उसमें पाकिस्तान बनाने का फैसला किया था सर, इस वजह से उस मीनार पे वहां पर मीनार पाकिस्तान बनाई गई 23 मार्च। चले चले ठीक है, 23 मार्च ठीक है। जुबेर आपका भी यही कहना है? अगर आपका भी आंसर यही है तो मुझे बता दो। नहीं अच्छा ऐसा नहीं, 40 में अल्लामा इकबाल ने तो फत पाकिस्तान सर रेजोल्यूशन पेश किया। ठीक है ठीक है, आपका आंसर भी यही है। माइक ऑफ करें अभी मैं आपको बताता हूँ। ये बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी कहें या पाकिस्तान मुताले पाकिस्तान की क्या कहें कि एक बहुत बड़ी जो गलती है जिसको पढ़ाया जाता है और मीडिया के जरिए से भी हमें बताया जाता है। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं, बहरहाल ऑफ देयर ये समझे कि एक बात कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान पहली दफा आईनी तौर पर आजाद हुआ। आपने याद ये रखना है। नहीं शेर अयाज मेरे ख्याल है अब भी करा पाकिस्तान के हवाले से। अब जरा सुन लेना मैं आपको बताता हूँ। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान पहली दफा आजाद हुआ आईनी तौर पर, क्योंकि 1935 के एक्ट में थोड़ी सी अमेंडमेंट के साथ 1947 में हमारा कोई आईन तो था नहीं,
1935 के एक्ट के तहत 1956 तक पाकिस्तान को चलाते रहे 30 जज विद सर्टेन अमेंडमेंट्स। तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान पहली दफा आजाद हुआ। तो 23 मार्च 1956 को चूंकि आइन की प्रोमल्गेशन हुई थी, आइन का नफाज हुआ था, तो इस वजह से पाकिस्तान योम जमहूरी पाकिस्तान मनाया था 23 मार्च 1957 को। अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ एहसान, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं समझ गया आप जो पूछना चाह रहे हैं। मैं रेजोल्यूशन की तरफ आ रहा हूँ, जरा रुक लें। रेजोल्यूशन जो है 24 मार्च को पास हुई, 23 को नहीं हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 23 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं, 23 मार्च 1956 में पहला आइन बना था, तो हमने 1957 में 23 मार्च 1957 को पहली दफा एक नोटिफिकेशन हुआ था यौम जमहूरी पाकिस्तान के नाम से। पहली दफा हमने मनाया यौम जमहूरी पाकिस्तान 1957 को, अगले साल भी मनाया यौम जमहूरी पाकिस्तान 1958 को। अब अगले साल जो है आपको पता है कि अयूब खान साहब इकतदार में तशरीफ लाए थे, जो आइन को टोपल करके, आइन को रोन के जब इकतदार में आए थे। अब 23 मार्च सामने आया, अब एक डिक्टेटर ऊपर बैठा हुआ, वो कैसे आइन यौम जमहूरिया मनाए, यौम जमहूरिया पाकिस्तान अब करीब आ गया, अब कैसे मनाए। तो लिहाजा बीच में से जमहूरियत को निकाल दिया और यौम पाकिस्तान रहने दिया गया। नहीं बताया जाता है कि चूंकि रेजोल्यूशन पास हुई थी इस वजह से उस रेजोल्यूशन की बेस पर हम मनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। रेजोल्यूशन जो पास हुई है वो 22 मार्च से 24 मार्च को, 23 मार्च को प्रेजेंट हुई थी, 24 मार्च ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था कि 24 मार्च 1940 को आपने याद ये रखना है कि लाहौर में जिसे मिंटो पार्क, जिसे इकबाल पार्क, फजल हक ए के फजल हक जिसे शेर बंगाल भी कहते हैं, तो ये पीएससी के एक इंटरव्यू में पूछा गया था किसी कैंडिडेट से कि ए के फजल हक, तो ए के आप इसका कंप्लीट नाम क्या है, तो अबुल कासिम फजल हक इसका पूरा नाम है जिसको शेर बंगाल भी कहते हैं। उन्होंने इस रेजोल्यूशन को 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट किया था, जबकि ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको बाकायदा तौर पर एडॉप्ट किया था 24 मार्च 1940 को। तो आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट जो है वो ए के फजल हक ने अबुल कासिम फजल हक जिसे शेर बंगाल भी कहते हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 23 मार्च 1940 को, जबकि इसको इस रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया था 24 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, आपने ये याद रखना है। और ये रेजोल्यूशन बुनियादी तौर पर मिंटो पार्क में हुई थी जिसको इकबाल पार्क कहते हैं, ये लाहौर में है। तो इसको लाहौर रेजोल्यूशन थी बुनियादी तौर पर, इसको इंडियन प्रेस ने, ये याद रखना है कि इंडियन प्रेस ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया था, तो ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से फेमस हो गई, तो इसको हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से याद करते हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन थी ये पास की गई थी, तो उसमें बुनियादी तौर पर ये एक सेपरेट स्टेट की बात की थी, तो इसी वजह से इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था कि एक करारदाद पास की गई है कि वो एक सेपरेट स्टेट चाहते हैं, एक अलहदा रियासत चाहते हैं, एक अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं। तो हिंदू प्रेस ने, या आप कहें कि इंडियन प्रेस ने इसको, सब कॉन्टिनेंट में जो हिंदू प्रेस थी उसने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया था। तो ये 23 मार्च नहीं बल्कि 24 मार्च 1940 को ये रेजोल्यूशन पास हुई है, और इसको प्रेजेंट किया था अबुल कासिम फजल हक ने, 23 मार्च 1940 को प्रेजेंट किया था, और इसको ड्राफ्ट किया था मोहम्मद जफरुल्ला खान, तो ये पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। तो ये ओवरऑल आज हमने 1940 तक इसको डिस्कस किया है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है। अच्छा, आज हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो इन्होंने लखनऊ पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी, तो कांग्रेस ये समझती थी कि शायद ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट से डिवीजन होगी मुसलमान और हिंदुओं की, और इससे पूरे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है एक जो इत्तेहाद है वो खत्म हो जाएगा, और एक यहाँ से एक फिशर क्रिएट होगा, यहाँ से एक उनके दरमियान एक दरार पड़ेगी, तो लिहाजा उनको चाहिए कि सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है वो नहीं रखना चाहिए। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी दिल्ली प्रपोजल में ये उनकी डिमांड एक्सेप्ट की थी, उन्होंने कहा था ठीक है अगर आप लोग बाकी मुतालिबात मानते हैं तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट को हम चले ठीक है इसको खत्म कर देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं इससे, कि हमारी रिप्रेजेंटेशन 1/3 कर दें,
वेटेज जो प्रपोजल है या जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें सेंट्रल असेंबली में 1/3 रिप्रेजेंटेशन है, इसको इंश्योर करें तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड है उससे विड्रॉ करते हैं। तो इसको दिल्ली प्रपोजल के नाम से याद किया जाता है। लेकिन चूंकि आपको पता है कि नेहरू रिपोर्ट में इस चीज को भी डिनाई किया, रिप्रेजेंटेशन को और सेपरेट इलेक्टोरेट को भी डिनाई किया, सब कुछ चीजों को डिनाई किया, वेटेज प्रिंसिपल को भी डिनाई किया, तो इसके बदले में फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश किए थे और उस 14 नुकात के फीचर्स क्या हैं वो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लास में। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आज हमने डिस्कस किए हैं। खाकसार मूवमेंट हमने डिस्कस की है, इनायतुल्ला मशरकी ने इनिशिएट किया था, इसको एस्टेब्लिश किया था 1931 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हमने डिस्कस किया 1930 में, गांधी ने इसको किया था। अच्छा, इसके द्वारा इसके बाद हमने डिस्कस किया नाउ एंड नेवर जो पैम्फलेट था चौधरी रहमत अली का, उसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज किया। और 1933 में वाइट पेपर जो इशू किया था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद 1935 का एक्ट आया है जिसके तहत 1937 में इलेक्शन हुए हैं, और 1939 में कांग्रेस ने तमाम मिनिस्ट्रीज से रिजाइन किया। तो मुसलमानों ने, आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस ही नहीं यौम नजात मनाया है, और उसके बाद 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है पास हुई है। करारदाद, हाँ, अभी जो आप बता रहे जो क्वेश्चन अच्छा किया है, 1947 से लेकर 1956 तक कोई भी इस तरह से 23 मार्च इस तरह से सेलिब्रेट नहीं हुआ है। पहली दफा 23 मार्च सेलिब्रेट किया था पाकिस्तान का आइन के नफाज के बाद, और उस नफाज के बाद जो है करदे के बाद 1957 में पहली दफा यौम जमहूरी पाकिस्तान मनाया था, और 1958 में भी मनाया था, लेकिन 1959 से फिर उसको यौम पाकिस्तान में चेंज किया है। और मीडिया के जरिए से यही बताया गया कि हम बुनियादी तौर पर 1940 की रेजोल्यूशन की बुनियाद पर मना रहे हैं। अगर उस बुनियाद पर मनाने तो फिर 1939 से 1956 तक भी मनाते तो उस दौरान कोई इस तरह का नहीं हुआ है। तो ये बाकायदा नोटिफिकेशन जो है आपको डॉक्टर मुबारक अली के बुक्स में मिलेंगे। मेरा ख्याल कोई कुछ कह रहे हैं, जुबेर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जुबेर कहें तो आप माइक ऑन करें। जी, 1931 एक्ट में आपने ये बात की, एक बात ये भी की कि बर्मा से ब्रेड हुआ था, तो क्या बर्मा उस वक्त सब हिस्सा था? लियोस, बर्मा, एक दौर भी थे, नेपाल वगैरह, ये देखे ना, ये जो बंगाल जिसको हम कह रहे हैं उस साइड पे बर्मा, ये सारा इसी का हिस्सा होता था, सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जी सर, ये आपने ये सवाल किए बता दिया कि सर ये तो पाकिस्तान स्टडी में है नहीं, मीडिया के जरिए में वो अयूब खान के उससे ये स्टार्ट हुई है यौम पाकिस्तान मनाना, तो सर ये इस तरह की बात है, जब हम करेंगे तो ये पैनल वाले एक्सेप्ट करेंगे इन चीजों को? नहीं, ये मैंने अभी आपको मैंने कहा था कि ये इंटरव्यू के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एज पता होना चाहिए कि हिस्टोरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्यों करते हैं। आप उनको बता दें कि ये 24 मार्च 1940 को रेजोल्यूशन पास हुई है ऑफिशियली। आपने जो बातें करनी, मैंने अभी आपको बता दिया कि 24 मार्च को पास हुई है, लेकिन चूंकि तारीखी मुगालिता है जो कि डिक्टेटर की लिखी हुई तारीखें हम मुतल पाकिस्तान की शक्ल में पढ़ते हैं, ये तो सामने बैठे हुए पैनल्स को भी पता है, आपने वहां पर ये बात लिख कर ली है। लेकिन मैं चूंकि आप चूंकि टीचर्स हैं, आप लोगों ने आगे एजुकेट करना है, आपको खुद पता होना चाहिए कि हुआ क्या है तारीख के साथ। सही, तो ये बहुत सारे इस तरह के मुगालिते हैं, उस हवाले से कह रहा हूँ। हम तो अभी चूंकि आपको इंटरव्यू के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का पूछे तो आपने यही मुताले पाकिस्तान वाला आंसर करना है कि मोहम्मद जफरुल्लाह खान ने इसको ड्राफ्ट किया था। एक फजल हक, जिसे अबुल कासिम फजल हक कहते हैं, शेर बंगाल भी कहते हैं, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था 3 मार्च को, और मुस्लिम लीग ने इसको 24 मार्च 1940 को अडॉप्ट किया था। मिंटो पार्क में हुआ था, जिसे इकबाल पार्क भी कहते हैं, और इंडियन प्रेस ने इसको, चूंकि लाहौर रेजोल्यूशन थी, इंडियन प्रेस ने इसको रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान का टाइटल दिया था, तो इसी वजह से इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया जाता है। तो 1930 से लेकर 1940 तक हम लेके आए हैं, इंशाल्लाह अगले नशिस्त में हम 1947